गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाठ 7 हम भी सीखें कविता का अर्थ समझेंगे। मैं आप सभी को एक एक पैराग्राफ पढ़ती जाऊंगी और उसका अर्थ समझाती जाऊंगी। कुदरत हमको रोज सिखाती जग हित में कुछ करना सीखें, अपने लिए सभी जीते हैं औरों के हित मरना सीखें। इन पंक्ति के माध्यम से कवि बताते हैं, प्रकृति हमें हर रोज यह पाठ पढ़ाती है कि हम संसार में एक खास उद्देश्य से आए हैं, संसार के लिए हमें भी कुछ करना है। यह तो हम जानते ही हैं कि अपनी भलाई के लिए तो सभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए शायद ही कोई कुछ करता है। इसलिए हमें प्रकृति की तरह दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन लगाना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते, जुगनू जो थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखें। इन पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि सूरज हमें रोशनी यानी प्रकाश देकर जीवन प्रदान करता है, तारे हमें शीतलता देते हैं, चांद अपनी किरणों से हमें अमृत प्रदान करता है, तो बादल जल बरसाकर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जुगनू भले ही थोड़ी थोड़ी रोशनी देता है लेकिन फिर भी अंधकार को दूर करने में लगा रहता है। इस प्रकार प्रकृति के इन स्वरूपों से प्रेरणा लेकर हमें भी परोपकार करना चाहिए। बिना अभिमान पेड़ देते हैं बीज फूल फल ठंडी छाया, ये दधीचि बनकर हर युग में न्यौछावर कर देते काया, मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखें। इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है के अनुसार दधीचि ऋषि ने अस्त्र बनाने के लिए अपनी हड्डियों तक देवताओं को दान कर दी थी। उनकी हड्डियों से ही वज्र बना था जिसे कि भगवान इंद्र धारण करते हैं। जो वज्र बना था उससे इंद्र ने राक्षसों को परास्त किया था। हम हर रोज ही देखते हैं कि पेड़ पौधे बिना किसी घमंड के ही हमें बीज फूल और फल देते हैं, यही नहीं वे बड़ी सुखद ठंडी छाया भी हमें देते रहते हैं। इसी प्रकार वे महर्षि दधीचि की तरह हर समय अपना सब कुछ परोपकार में लगाते रहते हैं। मौसम चाहे जो भी हो, बुरा हो या खराब हो, हमें पेड़ों की तरह ही परोपकार करते रहना चाहिए। गहरी नदियाँ निर्झर नाले निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंच नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहते, ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है, बड़ी बड़ी नदियाँ नाले झरने रात दिन दूसरों के लिए साफ और सुंदर जल बहाते रहते हैं। इनको जन्म देने वाले बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत ही तो हैं। इनकी तरह त्यागी बलिदानी बनकर हम दूसरों को सुख और जीवन देने के लिए अपने जीवन की एक एक बूंद टपकाते रहें। सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी, उथल पुथल खुद ही सह लेती महकाती जीवन फुलवारी, जीवन देती प्राण वायु बन चारों ओर विचरना सीखे। इसके माध्यम से कवि ने बताया है, धरती सचमुच में प्यारी माँ की तरह है। वह सबका पालन पोषण करने के लिए ही तरह तरह के अनाज पैदा करती है, हर तरह की कठिनाई और दुख को स्वयं सहन कर लेती है, लेकिन सबके जीवन की फुलवारी को सुगंधित करने से स्वयं को नहीं रोकती है। इस प्रकार यह सबको हमेशा संजीवनी देती रहती है। हमें चारों ओर स्वतंत्र रूप से विचरने घूमने की शिक्षा इससे अवश्य लेनी चाहिए। इस तरह बच्चों पूरी कविता का अर्थ हुआ।